नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका गाइड उज्ज्वल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गाइड प्रोडक्ट उज्ज्वल में। दोस्तों ये देखिए, मैंने आप लोग के लिए एक बहुत ही बेहतरीन अमेजिंग प्रोडक्ट मंगाया है और ये बेसिकली दोस्तों एक फीचर फ़ोन है। जी हाँ, और ये 4G सिम को सपोर्ट करता है और हाँ, हॉटस्पॉट का भी फीचर इसके अंदर है। तो बहुत ही अमेजिंग आप कह सकते हो फीचर फ़ोन है। करूँगा इसकी अनबॉक्सिंग और आप लोग के लिए सरप्राइज़ है, मतलब गिव अवे है। फुल रिव्यू करूँगा इस वीडियो में, जाने की वीडियो में रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। तो फाइनल दोस्तों, ये है आपका प्रोडक्ट और आज हम करने वाले हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो जल्दी से मैं कर लेता हूँ बॉक्स को ओपन। तो बॉक्स को मैं यहाँ से करूँगा सील, इसकी ब्रेक करूँगा और दिखाऊँगा कि आखिर में ये प्रोडक्ट हमें कैसा मिलता है। तो दोस्तों, ये प्रोडक्ट जैसे आप ओपन करोगे तो कुछ इस प्रकार आपको बॉक्स ओपन करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको एक पेपर मिलेगा, उसके बाद भी यहाँ पर आपको ये फ़ोन देखने को मिल जाएगा, ठीक। और दोस्तों, बॉक्स के अंदर इसका बिल मिल जाएगा जिसमें कि मुझे ये पड़ा है 2249 रुपीज़ का, ठीक है। चलिए हम रखते हैं इसको साइड में और हमें कुछ मिलता नहीं है बॉक्स में। तो बेसिकली दोस्तों, ये निकल के आता है हमारा फ़ोन जिसमें कि सामने की तरफ लिखा है मैजिक 2 4G। बेसिकली ITIL की तरफ से आ रहा है ये फ़ोन और इसमें आपको मैजिक 2 4G यहाँ पर सामने लिखा गया। ये डुअल 4G वोल्टेज सिम को सपोर्ट करता है। जी हाँ, आपका जियो का सिम अगर आपके पास है तो आपको याद होगा कि जियो के सिम में सिर्फ आप जियो के फ़ोन में सिर्फ एक सिम लगा सकते हो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप दो सिम लगा सकते हो, 4G सिम। यहाँ पर वाईफाई हॉटस्पॉट का भी ऑप्शन है जो कि जियो फ़ोन में नहीं है। मतलब अगर आपका इंटरनेट बचा रह जाता है तो आप अपना इंटरनेट शेयर भी कर सकते हो। वॉइस किंग, मतलब यहाँ पर अगर आपके मतलब किसी आप कह सकते हो अपने पापा को देना चाहते हो, मम्मी को देना चाहते हो, जो कि उतना मतलब स्मार्टफोन नहीं चला सकते, तो ये फीचर फ़ोन उनकी और हेल्प करेगा, उनको और ईजी करेगा यूज़ करने में। बेसिकली किंग वॉइस एक ऐसा फीचर है जिस भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इस फीचर से क्या होता है। तो अगर मैं बॉक्स के इस साइड देखूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ITIL की ब्रांडिंग दिया गया है। यहाँ पर ये मैजिक 2 4G आप कह सकते हो इसका जो है मॉडल है। यहाँ पर आपको वन टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट देखने को मिलता है जो कि 365 डेज के लिए है। मतलब आप एक साल में स्क्रीन रिप्लेसमेंट भी करा सकते हो इसकी, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है दोस्तों, मेड इन इंडिया। मतलब आज के समय में कोई ऐसा फ़ोन जिसमें कि फ़ोन मेड इन इंडिया हो तो बहुत मुश्किल ही, और सब मेड इन इंडिया फ़ोन चाहते हैं, तो ये मेड इन इंडिया फ़ोन भी आपका निकल के आता है। बैक साइड में अगर दोस्तों यहाँ पर देखें तो इसकी जो अब डिटेल है बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें वो मेंशन किया गया, और फ़ोन का कुछ लुक यहाँ पर बैक साइड में है। मॉडल है ITIL 9210, ठीक है। यहाँ पर इसके कुछ फीचर दिए गए हैं जैसे कि 4G वोल्टी का सपोर्ट यहाँ पर मिलता है, हॉटस्पॉट हैथरिंग का भी सपोर्ट है, वाईफाई सर्टिफाइड है, वाईफाई सपोर्ट करता है ये, और किंग वॉइस का फीचर है। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो द इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से इनको बेस्ट ब्रांड का भी अवार्ड 2020 का मिल चुका है। तो बहुत मतलब आप कह सकते हो और क्या लोगे यार, बच्चे की जान लोगे क्या। तो चलिए जल्दी से मैं फ़ोन को यहाँ पर अपना करता हूँ ओपन। तो यहाँ पर इसमें सील लगी है, इस सील को मैं यहाँ से बेसिकली ब्रेक करूँगा। तो जब यहाँ पर बॉक्स को ओपन करोगे तो कुछ इस प्रकार आपका बॉक्स ओपन होता है जिसमें कि ये फ़ोन अलग हो जाएगा। बॉक्स कंटेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको चार्जर देखने को मिल जाएगा। बेसिकली ये चार्जर ही मुझे लग रहा है जहाँ तक, तो ये चार्जर ही है। तो यहाँ पर आपको ये चार्जर देखने को मिल जाएगा जो कि आपका नॉर्मल चार्जर है, ठीक है। तो आपको ये नॉर्मल चार्जर देखने को मिल जाता है बॉक्स के अंदर। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दूसरे कंटेंट की तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ईयरफोन है या केबल है, आई गेस ईयरफोन है क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है हाथ के अंदर। और अगर ईयरफोन है तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर एक फ़ीचर फ़ोन के अंदर ईयरफोन, यहाँ पर 1-1 लाख के फ़ोन में ईयरफोन नहीं मिल रहा है, अगर इसके अंदर आपको ईयरफोन मिला है तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये। तो जल्दी से मैं इसको खोलता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मेरा गेस सही है, यहाँ पर आपको ईयरफोन देखने को मिल जाता है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको ईयरफोन दिया गया। हाँ, बेसिक क्वालिटी का ईयरफोन है, लेकिन हाँ एक फ़ीचर फ़ोन है तो उसके लिए ये ईयरफोन सफिशियंट है। अब अगर दोस्तों बात करते हैं और हमें क्या चीज़ें मिल जाती हैं बॉक्स के अंदर, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है बैटरी मिल जाती है देखने को, और यहाँ पर क्या है लैंग्वेज इनपुट्स है, वारंटी कार्ड है, एंड यहाँ पर अगर मैं और देखूँ तो क्विक स्टार्ट गाइड की आपको कैसे क्या करना है। तो ये सब चीज़ें तो अब कोई पढ़ता नहीं है यार। दोस्तों फ़ोन तो मेड इन इंडिया ही, लेकिन बैटरी के ऊपर भी लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। जी हाँ, बैटरी के ऊपर भी, अधिकतर फ़ोनों में क्या रहता है बैटरी में मेड इन चाइना लिखा रहता है, लेकिन यहाँ पर आपको बैटरी के ऊपर भी मेड इन इंडिया लिखा मिल जाता है। और ये दोस्तों जो बैटरी है ये 19mAh की, मतलब 1900mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, तो ये भी काफ़ी सही चीज़ है। चलिए इसको भी रखते हैं साइड में और हम जल्दी से करते हैं अपने फ़ोन को आप लोग के सामने ओपन। तो यार देखो, मैं फ़ोन को अगर टच की फील की बात करूँ तो ये फ़ोन जो है वो काफ़ी लाइट वेटेड है।
मतलब अभी बहुत बैटरी भी इसके अंदर नहीं डाली है, तो हैंड फील जो है बड़ा क्यूट सा आया है। मतलब जियो फोन में थोड़ा सा ऐसे लगता है कि मुझे मेरे हाथ में ऐसे पत्थर पकड़ रखा है मैंने, ईटा टाइप का, लेकिन ये बहुत राउंड शेप का है तो बहुत क्यूट सा मतलब फील आ रहा है इसको अगर मैं हाथ में ले रहा हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर ये ऊपर स्टिकर लगी है, सामने की तरफ यहाँ पर वाईफाई का बटन दिया गया है, टॉर्च है मतलब कॉल काटने के लिए है, कॉल पिक करने के लिए 1 2 3 4 5, हिंदी भी टाइपिंग यहाँ पर दी गई है, किंग वॉइस का फीचर है यहाँ पर, वाइब्रेशन का है, लॉक का है। बैक साइड में आपको 1.3 MP का यहाँ पर आप कह सकते हो कैमरा देखने को मिल जाता है जो कि फ्लैश के साथ में मिलता है, स्पीकर मिलता है, मैजिक यहाँ पर लिखा हुआ है, आइटल के नीचे आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, इधर आपको यहाँ पर जो 3.5 mm जैक है वो है, इधर साइड में आपके ऊपर साइड में आप यहाँ पर लगा पाओगे चार्जिंग के लिए यहाँ पर दिया गया है। और चलिए जल्दी से मैं इसका जो रैपर है वो हटाता हूँ, ऊपर साइड में जो गार्ड टाइप का लगा है वो मैं यहाँ पर इसे रिमूव कर देता हूँ। और अब अगर मैं दिखाऊं तो स्क्रीन कुछ ऐसी मिल जाती है देखने को, जो कि मतलब कह सकते हो हल्की सी कर्व्ड स्क्रीन है, 4G ऊपर मेंशन किया गया है, नीचे आइटल की ब्रांडिंग भी दी गई है। चलिए जल्दी से मैं यहाँ पर इसको लगाता हूँ, इसमें बैटरी इंसर्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों फ़ोन को ओपन करने के लिए बैक साइड में यहाँ पर आपको दिया गया है, इसमें आप जैसे अपनी नेल्स को डालोगे तो आपको बस ऊपर की तरफ इसको दबाना है और आपका ये जो फ़ोन है ये खुल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मेड इन इंडिया मेंशन किया गया है, और यहाँ पर डुअल आप कह सकते हो सिम लगा सकते हो, 4G और SD कार्ड भी लगा सकते हो, डुअल 4G वोल्टी सपोर्टेड है। पर इस फ़ोन में आपको सिम लगाने के लिए आपके पास एक सिम अडॉप्टर होना चाहिए, बेसिकली इसमें नैनो सिम नहीं लगता है, छुट्टू सिम नहीं लगेगा इसमें, इसमें आपको अडॉप्टर चाहिए होगा। अडॉप्टर में आप अपने सिम को पहले फिट कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पर लगाएं, क्योंकि इसमें नैनो सिम नहीं लगता है, इसमें माइक्रो सिम लगता है। फाइनली दोस्तों जो जियो का सिम है वो मैंने इस फ़ोन में इंसर्ट कर लिया है, अब लगाऊंगा इसमें बैटरी और कर दूंगा इसके बैक कवर को बंद पूरी तरीके से अच्छी तरीके से। और अब मैं फ़ोन को ओपन करता हूँ, तो जब फ़ोन ओपन करोगे तो आपको ऐसा कुछ रिंगटोन सुनाई देगा। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो फ़ोन है वो ओपन हो चुका है, और भैया फ़ोन ने यहाँ पर एक चीज़ दिखा दी है कि भैया वो 4G वोल्टी सिम सपोर्ट करता है। मैंने एक जियो का सिम डाला और आप देख सकते हो जियो 4G लिख के आ गया है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ फ़ीचर बताता हूँ, जैसे कि मैंने कहा था किंग वॉइस, ये जो फ़ीचर है किंग वॉइस आप देख सकते हो, जब मैं मेन्यू पर क्लिक कर रहा हूँ तो मैसेजेस ये बता रहा है कि आपका जो मैसेजेस में है अभी, कॉन्टैक्ट्स, कैमरा, मल्टीमीडिया, ओपेरा, तो ये किंग वाइज मतलब हर चीज़ में ये आपको बताएगा कि आप क्या स्टेप ले रहे हो या क्या आप टास्क कर रहे हो। जैसे कि अब मैं नंबर डायल करूँगा, देखिएगा 1 2 3 1 5 6 4, ये सब बता रहा है कि आपका मतलब जो नंबर है आप वो कौन सा डायल कर रहे हो। बेसिकली दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूँ, मैं कीपैड में भी इसके यहाँ पर आप कह सकते हो लाइट जलती है, शायद आपको उतने अच्छे तरीके से ना दिख रहा हो क्योंकि मैं बाहर आउटडोर शूट कर रहा हूँ अनबॉक्सिंग इसकी, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कीबोर्ड में भी इसके लाइट जलती है। मैं यहाँ पर अनलॉक करता हूँ, देखिए लाइट जल रही है इसकी, ठीक है, अंधेरे में आपको ये और अच्छी तरीके से ग्लो करेंगी इसकी कीज़। अब मैं चलिए इसके कुछ फ़ीचर्स आप लोग को बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मेन्यू लिखा है, कॉन्टैक्ट्स है, यहाँ पर ये डेट बता रहा है, टाइम बता रहा है। जैसे कि मैं मेन्यू पे क्लिक करता हूँ तो मैं इसका इंटरफेस आपको दिखाता हूँ, पहले आपको मैसेजेस दिख जाएगा, कॉन्टैक्ट दिख जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो किंग वॉइस है वो मुझे इरिटेट भी कर रहा है क्योंकि मुझे नहीं पसंद यार कि वो बार बार बताए मैसेजेस, कॉन्टैक्ट। तो आप कैसे बंद कर सकते हो, इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपका ये जो टर्न ऑफ किंग वॉइस फीचर, ठीक है, अब ठीक है। अब चलिए आप लोगों को मैं इंटरफेस बताता हूँ, मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो मैसेजेस दिया है, कॉन्टैक्ट दिया है, कॉल हिस्ट्री है, कैमरा दिया गया है, कैमरा मैं चलिए टेस्ट भी कर लेता हूँ इसी बात पे। तो चलिए मैं इसकी एक फ़ोटो क्लिक करता हूँ, देखता हूँ कैसा क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अगर मैं फ़ोन पे देखूँ तो फ़ोन पे क्लियर ही दिख रहा है, लेकिन रिकॉर्डिंग पे उतना क्लियर आपको नहीं दिख रहा होगा। तो ये एक फ्लैश के साथ फ़ोटो थी, और क्लिक की मैंने फ़ोटो और देखता हूँ यार, देखो अगर 1.3 MP के साथ अगर मैं कंपेरिज़न करूँ तो काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ ले रहा है, ठीक है। और अभी तो रात हो रही है, थोड़ी तो मतलब डे लाइट में और अच्छी फ़ोटोज़ यहाँ पर ये लेगा। और इतना ही नहीं, आप इसमें वीडियो भी शूट कर सकते हो, देखो फ़ोटो का भी ऑप्शन है, वीडियो का भी ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर सही है यार अपना, मतलब एक कुछ कैप्चर करना हो तो आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है, बेस्ट है। बैक पे अगर बात करें तो यहाँ पर आपको मल्टीमीडिया, अब मल्टीमीडिया के अंदर आपको ऑडियो प्लेयर मिलता है, FM रेडियो मिलता है, वीडियो प्लेयर, वीडियो रिकॉर्डर, साउंड रिकॉर्डर भी मिल जाता है, ठीक।
वाईफाई के अंदर यहाँ पर आपको वाईफाई सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बैक करेंगे, यहाँ पर आपको हॉटस्पॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, हॉटस्पॉट टेथरिंग का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें कि आप मतलब अपने मोबाइल का इंटरनेट किसी और डिवाइस के साथ में शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। बैक करते हैं, सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में आपको कॉल सेटिंग, फ़ोन सेटिंग, डिस्प्ले में आपको सेटिंग देखने को मिल जाती है, ये कुछ डिस्प्ले सेटिंग देखने को मिलती हैं। बैक करेंगे, सिक्योरिटी में जाएंगे तो ये सिक्योरिटी कुछ आपको सेटिंग देखने को मिल जाएंगी। कनेक्शंस यहाँ पर आप देख सकते हो, डाटा सर्वर सर्विस नेटवर्क अकाउंट कनेक्टिंग, ये सब फीचर्स आपको देखने को मिल जा रहे हैं। ठीक है, बैक करते हैं, यहाँ पर SOS फीचर भी दिया गया है, जिससे कि मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है ये फीचर, तो बैक कर देंगे। गेम्स में आपको यहाँ पर गेम्स मिल जाएंगे, जैसे डेंजर डैश यहाँ पर कल मिल जाएगा, न्यू तो मतलब इसमें टाइम पास के लिए भी गेम भी काफ़ी ज़्यादा दिए गए हैं। अब अगर बात करते हैं इंटरनेट की, कि आपको इंटरनेट पे क्या क्या मिलता है, तो यहाँ पर इंटरनेट में आपको दो ब्राउज़र दिए गए हैं, एक ओपेरा मिनी ब्राउज़र दिया गया है और एक डोराडो दिया गया है। तो ओपेरा मिनी अगर मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ तो इंस्टॉलिंग लिख के आ रहा है, तो ओपेरा मिनी से आप काफ़ी चीज़ें चला पाओगे, जैसे कि फेसबुक वेसबुक चला पाओगे और भी फीचर्स, यहाँ पर ब्राउजिंग कर पाओगे, वीडियोज़ देख पाओगे यूट्यूब पर, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पर निकल के आती है। और अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा में टॉर्च मिल जाती है। अगर मैं ये देखिए टॉर्च जलाया तो ये फ्लैश लाइट ही जो है कैमरे की, वो एज अ टॉर्च काम करेगी। बैक करेंगे, कैलकुलेटर है, कैलेंडर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको जनरल सेटिंग देखने को मिलेगी, साइलेंट मोड, इंडोर आउटडोर, ये सब देखने को मिल जाएगा। ये आपके जो ब्राउज़र है वही है। मेनू में यहाँ पर एक ऑप्शन और दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको आईटेल का खुद का जोन मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें कि इन्होंने कुछ स्पेसिफिक चीज़ें अलग कर दी हैं, जैसे कि फेसबुक, क्विक बज, न्यूज़, गूगल, विकिपीडिया, वेदर, स्पोर्ट, कीड़ा, शॉर्ट पीडिया, ये सब चीज़ें आपको अलग कर दी। हालांकि ये सब चीज़ें ओपेरा में भी देखने को मिल जाएंगी, बट इन लोगों ने ये चीज़ें अलग कर दी। जैसे किसी बंदे को ओपेरा में जाके फेसबुक ना चलाना हो तो सीधे डायरेक्ट फेसबुक ओपन करके भी चला सकता है। तो ये कुछ आपको फीचर देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों यही थी इसकी अनबॉक्सिंग, आई होप कि फ़ोन पसंद आया होगा। बहुत लाइट वेटेड है, अगर मैं इसको जियो फ़ोन से कंपेरिजन करता हूँ तो ये मतलब बहुत ही क्यूट सा है फ़ोन पकड़ने में हाथ में, और सच बताऊं बहुत स्टाइलिश लग रहा है। ये जो कलर है ये भी काफ़ी बेहतरीन है। दोस्तों यार, अब आप कहोगे इस फ़ोन को अनलॉक और लॉक कैसे करते, तो ये ऑटोमेटिक जैसे ही लॉक हो गया तो आपको बैक पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है प्रेस स्टार की, देख सकते हो ये अनलॉक हो गया, बहुत सिंपल सा। अगर लॉन्ग प्रेस करोगे तो ये फिर लॉक हो जाएगा और इसको फिर ऐसे आप अनलॉक कर पाओगे। बहुत बेस्ट है यार, डुअल 4G सिम है, आप दो 4G सिम लगा सकते हो, नेट शेयर कर सकते हो। दोस्तों आईटेल की तरफ से जो मैजिक 2 4G वोल्टी फ़ोन लाया गया है, ये मुझे बहुत बेस्ट लगा और मैंने रिव्यू भी किया। हालांकि मुझे ये कलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा, क्योंकि बहुत क्यूट सा कलर है और सच में बहुत अट्रैक्टिव कलर है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात यह है, जियो फोन में लुक से भी मतलब अच्छा है, मतलब जियो फोन का जो लुक्स है उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, बट इसका लुक भी बहुत अट्रैक्टिव है, क्यूट सा है, पूरे हाथ में बहुत प्यार से कवर हो जाता है और स्टाइलिश है, फीचर्स भी अच्छे हैं, और सबसे अच्छी बात इसे आप मॉडेम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपका अगर इसमें इंटरनेट बचा है तो आप इतना इंटरनेट शेयर भी कर सकते हैं। अगर यार मार्केट में मॉडेम लेने जाओ तो अच्छा खासा वही बैठ जाता है प्राइस, तो ये तो आपको बस 2249 रुपीज़ का ये पड़ रहा है। और अगर आप इसे खरीदते हो तो एज अ मॉडेम भी यूज़ कर सकते हो, मतलब अपना इसका इंटरनेट आप शेयर भी कर सकते हो और दो सिम यहाँ पर लगा सकते हो। हालांकि अगर आप कमेंट करते हो कि इसके ऊपर मुझे और वीडियोज़ चाहिए सर, कि इसमें व्हाट्सएप चलता है या नहीं चलता है, फेसबुक चलता है या नहीं चलता है, या जियो फोन में जो है उसमें क्या नहीं है, क्या इसमें क्या है जो कि जियो फोन में नहीं है, कौन सा बेस्ट होगा, मैं और भी वीडियोस लेके आऊँगा। तो अगर आपके कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए इसके रिगार्डिंग, कि इसमें सर फेसबुक चलेगा या नहीं चलेगा, इंटरनेट चला के दिखाइए, या व्हाट्सएप चलेगा नहीं चलेगा, इंटरनेट अगर हम इससे शेयर करते हैं तो कैसी स्पीड देता है हॉटस्पॉट के जरिए। तो मैं सब कुछ आगे वीडियोज़ लाने वाला हूँ, तो सर अनबॉक्सिंग और इसमें रिव्यू था कि क्या क्या चीज़ें दिया गया है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अब आप कहोगे यार गिव अवे कहाँ है, तो दोस्तों इस फोन का मैं कर रहा हूँ गिव अवे। आपको कमेंट में एक क्वेश्चन लिखना है कि आपके मन में जो भी क्वेश्चन आ रहा हो बस आपको वो कमेंट करना है कि सर इसमें ये है या नहीं, इसमें फेसबुक चलता है या नहीं, हॉटस्पॉट चलता है नहीं, मतलब जितना हो सके आपको क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस नीचे लिखने हैं और जितना हो सके आप कमेंट कर सकते हो। एक आईडी से अगर आप 4-5 कमेंट करना चाहते हो, 10 कमेंट करना चाहते हो, आप कर सकते हो। और आप इसे किसी एक को मैं रैंडमली चुन के ये फ़ोन
भिजवा दूंगा, मतलब गिव अवे कर दूंगा। बस आपको जितना हो सके कमेंट करना है, व्हाट्सएप पे वीडियो को शेयर करना होगा, लाइक करना है, जितना हो सके शेयर करिए इस वीडियो को और कमेंट करिए कि सर इसमें जियो का सिम जो है, जियो फोन का सिम चलता है या नहीं चलता है। आपके जितने भी कमेंट हैं सब कर दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूँ, आपकी सभी डाउट को क्लियर करूंगा। और मेरे अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूँ तो मुझे फ़ोन क्यों अच्छा लगा, पहली बात तो इसका कलर स्काई ब्लू कलर बहुत प्यारा लग रहा है, हालांकि दो कलर में अवेलेबल है, ब्लैक में है और ब्लू कलर में स्काई ब्लू, मुझे स्काई ब्लू अच्छा लगा तो मेरे को बहुत अच्छा लगा ये फ़ोन। और मुझे जो सेकेंड चीज़ अच्छी लगी वो ये है कि इसका डिस्प्ले थोड़ा सा कर्व टाइप का है, क्यूट है और डिस्प्ले भी बड़ा है तो मुझे ये अच्छा लगा देखने में। इसमें डुअल 4G सिम लगते हैं तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा फीचर लगा। इसमें आप इंटरनेट भी चला सकते हो, ये भी वही बहुत अच्छा आप कह सकते हो प्लस पॉइंट है। और इसमें आपको सबसे बड़ा चीज़ हॉटस्पॉट का भी ऑप्शन मिलता है, एज अ मॉडेम भी आप यूज़ कर सकते हो या इसका इंटरनेट आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो, तो ये मुझे बहुत अच्छा फीचर यहाँ पर लगा। तो मतलब सभी फीचर्स बहुत अच्छे हैं इसके अंदर। और पहली बात तो मेड इन इंडिया फ़ोन है और इसकी बैटरी में भी मेड इन इंडिया लिखा है, तो मेरे को यार सपोर्ट करना चाहिए मुझे इस फ़ोन को। और इसका लुक स्टाइलिश फ़ोन है यार, तो मुझे ये सब चीज़ें पसंद आई। आप भी कमेंट करिए दोस्तों कि क्या आपको फ़ोन पसंद आया या नहीं पसंद आया, या आप क्या चाहते हो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या बताऊँ, कमेंट करो। आप में से किसी एक को मैं कमेंट पिक करूंगा और आपके घर में पहुंचा दूंगा ये आईटेल का मैजिक 2 4G। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं रोजाना ऐसी वीडियो देखता हूँ। फिलहाल के इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।